में आप जाके मिल भी सकते हैं, आप परिजन हैं तो भी मिल सकते हैं, आप उसके मान लीजिए दोस्त यार कुछ भी आप जाके मिल सकते हैं। मिलने के लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए, आपको पहले उस कैदी का नाम पता होना चाहिए, पिता का नाम और किस जेल नंबर में है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो आपको नंबर वेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ जाइएगा तो ऑफलाइन में 15 रुपये का पर्ची कटाइएगा तो 3-3 घंटा तो पहले आप ही को लाइन में खड़ा कर देगा, तब आपको मिलाएगा। आप ऐसे बाहर खड़े रहेंगे, अंदर कैदियों का ही एक कमरा होता है, अंदर से उसमें घुसा दिया जाता है, वो अंदर रहते हैं आप बाहर रहते हैं, यहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होता है, यहाँ आप सामान भी दे सकते हैं बाहर के जो सिपाही खड़े रहते हैं कि अंदर जाके उस कैदी को दे दीजिएगा, ये सामान चेक करेंगे, अच्छा ठीक ठाक रहेगा तो दे देंगे, अगर इलीगल रहेगा तो ये लोग नहीं देते हैं और आपकी सजा को बढ़ा देते हैं। तो आप मिल सकते हैं, मिलने का टाइम 10 बजे से 3 बजे तक होता है, उसके 3 बजे के बाद जाएंगे तो मिलने नहीं देगा, 10 बजे से पहले जाएंगे तो नहीं मिलने देगा। आप वहां जाए अगर किसी से मिलने जाते हैं, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि फर्जी FIR में किसी को फंसा दिया जाता है, वो भी बता देंगे कि फर्जी FIR होता है तो कैसे आपके नाम को हटाया जा सकता है। और बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात का डर रहता है कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका पड़ोसी वाला उल्टा सीधा केस में फंसा देता है, FIR करा देता है, तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई साहब हम गारंटी देते हैं नहीं नौकरी जाने देंगे। अब उसको भी वीडियो में समझा देंगे कि कैसे आपके ऊपर FIR हो गया है तो उसे कैसे कटवा सकते हैं, और आप स्टूडेंट हैं आपका FIR हो गया नाम चला गया फिर भी आपका जॉब होगा, गारंटी बोलते हैं कि होगा। अब बहुत से लड़कों का ऐसा कराए भी हैं, और नियम है हम अपने घर से कराए, नियम है बस आप नहीं जानते वो अलग बात है। तो आप उन लोग के लिए गिफ्ट वगैरह लेते जाइएगा, गिफ्ट मतलब क्या चीज़, खाने पीने का अचार वचार ले लीजिएगा, थोड़ा सा घी वगैरह ले लीजिएगा ताकि अंदर अच्छा खाना नहीं लगता है, बाहर का इतना ज़्यादा आइटम रहता है अंदर जाके आदमी उब जाता है। गुटखा वगैरह नहीं ले जा सकते क्योंकि अंदर जो सफाई का काम होता है वो कैदियों को ही करना रहता है, गुटखा दे देंगे तो खा के थूक देगा, पहुँच वाले सब गुटखा खाते हैं सर, सिगरेट अलाउ है, ये सब चीज़ें अलाउ है, बस गंदगी वाला चीज़ नहीं। हम तो कहते हैं भाई जब हर चीज़ अंदर अलाउ है बस आपका पहुँच होना चाहिए, अगर आपके पास पैसा और पहुँच है ना तो जेल और बाहर में कोई खास फर्क नहीं समझ में आएगा, ऐसे नॉर्मल वालों के लिए सारे नियम कानून है। अब मिलने का मतलब ये नहीं कि डेली मिलने जा रहे हैं, हफ्ते में आपको 3 बार ही मिलने दिया जाएगा, और बड़ा अपराधी है तो 2 बार, कई कई जगह तो हफ्ता में 1 बार अलाउ करता है, अब कुछ ऐसे भी अपराधी रहते हैं बहुत खतरनाक, उनको अलाउ ही नहीं करता है मिलने, तो ऑन एन एवरेज आप हफ्ते में 3 बार किसी जाके मिल सकते हैं, 15 से 20 रुपये की आपको रसीद लगेगी मिलने के लिए। जेल के अंदर स्टडी रूम होता है, वहाँ जाके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, लाइब्रेरी तो इतना अच्छा होता है कि उतना अच्छा इसे आपको नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, आप वहाँ से अंदर जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं, इग्नू से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आपका एग्जाम वगैरह भी होगा, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। सो जो आप बाहर में पढ़ाई नहीं किया मार्कट करके अंदर जाएगा, लेकिन हाँ हम उसमें पढ़ते हुए भी देखे हैं। जेल के अंदर हर एक कैदी को खुद ही काम करना होता है क्योंकि अंदर सिपाही कम रहते हैं, मार धार करिएगा खूब पिटा जाइएगा ना तो आके छोड़ा देंगे सब, अंदर शांति से रहना चाहिए। अंदर भी जेल के अंदर भी ना ग्रुप होता है, वो उसके ग्रुप का है वो उसके ग्रुप का है, अगर आपको ज़्यादा दिन तक रहना है तो ग्रुपबाजी समझ जाइएगा ना तो कुटा के आएंगे। उसमें क्या होता है माली का काम होता है, जो जेल का कैंपस बहुत बड़ा होता है, जेल छोटा वोटा नहीं होता, अंदर जाएंगे तो एक दूसरे दुनिया है, वहाँ अंदर सब्जी वगैरह बोई गई रहती है, यही सब्जी आपको बनाने के लिए आ जाती है, कुछ अलग से भी सब्जियाँ वगैरह आती हैं, तो इसमें भी काम कर सकते हैं। कुक वाला खाना बनाने वाले में भी काम कर सकते हैं, सबसे टफ यही काम होता है सबके लिए, खाना बनाओ वो भी टाइम से बनाओ यहाँ पर। इसके अंदर कुछ फैक्ट्रियाँ भी होती हैं जहाँ पे आपको सोफ़ा बनाने के लिए आता है, कपड़े सिलने के लिए भी दे दिए जाते हैं सब, और जो होली में जो गुलाल लगाते हैं अबीर वो भी इसके अंदर पीस के बनाना रहता है, कई सारे काम होते हैं। लेकिन ये जो काम वाला डिपार्टमेंट है ना, फैक्ट्री वाला डिपार्टमेंट, ये उसी को दिया जाएगा जिसको कोर्ट ने सज़ा सुना दिया है। लेकिन अगर कोर्ट ने आपको सज़ा नहीं सुनाया, अभी आप पर मुकदमा ही चल रहा है, तो इस पर नहीं देंगे सब, आपको ये सब हल्का हल्का काम कराएंगे सब। इस काम के बदले आपको पर डे का 20 रुपये मिलता है, यानी महीने के आपको टोटल 600 रुपये मिलने वाले हैं। आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप काम नहीं करिएगा तो बदले में आपको एक बार पैसा देना पड़ेगा, ये पैसा पर मंथ नहीं लगता है, एक बार जाइएगा तो जेलर पूछेगा काम कीजिएगा कि पैसा दीजिएगा, तो जो पैसा देते हैं उसे हाता कहा जाता है। अब ये जो हाता का अमाउंट होता है ये डिपेंड करता है, अलग अलग जेल पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही बार इस हाता को देना रहता है। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहता है, कोशिश करिएगा आप लोग अगर बाय द वे गलती से चले, देखिए ऐसा नहीं है कि आप मर्डर करके जाइएगा, आपको कभी गलती से भी फंसाया जा सकता है। हम लोग को बड़का